Hello and welcome to your favorite cooking channel Pretty Kitchen. I'm your host Manisha. दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके आई हूँ, वो है ड्राई चिकन मसाला. बट बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए. अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें. फ्रेंड्स, ये जो ड्राई चिकन मसाला की रेसिपी है ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी रेसिपी है और ये बहुत ही फेमस टेस्टी रेस्टोरेंट रेसिपी है. अगर आप भी चाहते हैं घर पे बनाना तो ये मेरा वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत ही सिंपल तरीका लेके आई हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें लगेगा ये बॉयलर चिकन है, जिसको मैंने हल्दी, नमक और थोड़ा सा ऑयल और पानी डाल के ऑलरेडी 15 से 20 मिनट तक पका लिया है. तो मसाला क्या चाहिए हमें लगेगा, सबसे पहले ये है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, और ये है 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, ये आप घर पे भी बना सकते हैं ड्राई चिली से, और ये है 1 मीडियम कटा हुआ प्याज, दैट इज अनियन, और ये जो पेस्ट है ये पेस्ट है काजू, 10-12 काजू, आधा गोला नारियल और 3 से 4 चम्मच खसखस को पूरी तरह से फाइनली पेस्ट होने तक ग्राइंड करने के बाद ये पेस्ट आपकी बन जाएगी ऐसी. तो इसमें से हमें 4 से 5 टेबलस्पून मसाला लगने वाला है. तो चलिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे, इसको हीट होने देंगे. इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, फिर हम डालेंगे यह है लहसुन पेस्ट, अदरक लहसुन पेस्ट है, इसको अच्छे से सॉटे करेंगे. उसके बाद हम डालेंगे प्याज, 1 मीडियम साइज का प्याज मैंने ऐसे कट करके यूज़ किया है. इसको 1 से 2 मिनट तक हमें अच्छे से भून लेना है. अब इसमें मैं ये पेस्ट डाल रही हूँ, ये पेस्ट मैंने 3 से 4 चम्मच यूज़ की है. इसको अच्छे से सॉटे कर लीजिए 2 से 3 मिनट तक. इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं यह है गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक और यह है चिली फ्लेक्स. इसमें हम चिली पाउडर का यूज़ नहीं करने वाले हैं, उसके जगह पे हम यहाँ पे चिली फ्लेक्स यूज़ कर रहे हैं. चिली फ्लेक्स आप घर पे भी बना सकते हैं. यह है चिकन मसाला, जो चिकन मसाला अवेलेबल है आपके घर में आप वो कौन सा भी चिकन मसाला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एवरेस्ट का चिकन मसाला यूज़ कर रही हूँ, वो है 1 चम्मच. थोड़ा सा हल्दी मैं इसमें डालूंगी, उसे हल्का सा कलर आएगा. अब ये इस पेस्ट को आपको अच्छे से 15 से 20 मिनट तक अच्छे से कुक करना है, जब तक कि ऑयल ना छोड़ दे. तो फ्रेंड्स, जो चिली फ्लेक्स है आप घर पे बना सकते हैं. जस्ट आप 4 से 5 चिलीज ले लीजिए, ड्राई चिलीज, और उसको ग्राइंड कर लीजिए, लेकिन बहुत फाइनली उसको ग्राइंड नहीं करना है, जैसे हमने दिखाया वैसे करना है. अब इसमें जो हमने ऑलरेडी कुक किया हुआ जो बॉयलर चिकन था हम इसमें डालेंगे. बॉयलर चिकन की मात्रा अगर आपकी ज़्यादा है तो आपको पेस्ट और सारे मसाले की मात्रा भी बढ़ानी होगी. और बस 1 से 2 मिनट तक इस मसालों में इनको ढककर 1 से 2 मिनट तक और पका लीजिए, और बस हमारा ड्राई चिकन मसाला रेडी है. अगर आपको नॉनवेज की रेसिपीज़ पसंद है लेकिन आपको बनानी नहीं आती है, तो ये तरीका, ये जो मेथड है, ये रेसिपी आपके लिए है जिनको नहीं आती है. और ये बहुत ही टेस्टी बन जाती है, बहुत ही टेस्टी और इंस्टेंट रेसिपी है ये चिकन की. तो फ्रेंड्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए, और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए. मैं फिर से आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी. अगर आपको कोई और रेसिपीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सी यू इन नेक्स्ट रेसिपी. बाय बाय, टेक केयर.